गाइस आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे YouTube चैनल लेट्स कोड पे। कोड करें बिना डरे। तो गाइस मैं रमेश आप सभी के साथ आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो पेड कोर्सेस है बेसिकली उसे मैं बताऊंगा किस तरह आप लोग फ्री में ले पाइएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं ऑलरेडी बताया हूँ लेकिन जो नया लिंक से नया जो ट्रेनिंग का लिंक से वो बेसिकली इनेबल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो का पर्टिकुलरली बना रहा हूँ। तो सारा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो पेड कोर्सेस है बेसिकली उसे फ्री में एक्सेस कर पाइएगा, उनके सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाइएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ यहाँ पे बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आप लोग को इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का वीडियो का लिंक बेसिकली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी जहाँ से आप लोग ये पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद आप लोगों को अप्लाई लिंक दिखेगा जिस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पेज आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट के, यहाँ पे वर्चुअल ट्रेनिंग्स के यहाँ पे पेज आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों के कोर्सेस मिलेंगे। यहाँ पे जो भी कोर्सेस के लिए आप लोगों को एनरोल करना है माइक्रोसॉफ्ट के उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो यहाँ पे जो डिफरेंट कोर्सेस रहे वो एज्योर फंडामेंटल रिलेटेड कोर्सेस आप लोगों को मिलते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे 365 वर्चुअल ट्रेनिंग CRM रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज भी मिलते हैं अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं तो। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो जिसमें भी आप लोग का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वाइवा या फिर वर्क फ्लोज के रिलेटेड कोर्सेज, AI फंडामेंटल, डाटा फंडामेंटल, क्लाउड नेटिव एप्स या फिर आप लोग का एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, जो भी रिलेटेड कोर्सेज आप लोग चाहिए उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो वर्चुअल फंडामेंटल कोर्स है उसके रिलेटेड यहाँ पे किस तरह आप लोग को एनरोल करना है, किस तरह सर्टिफिकेट आप लोग ले पाइएगा वो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे दो लिंक्स आप लोग को दिख रहा है, ये दोनों लिंक्स में से कोई भी लिंक आप लोग यहाँ पे इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह का आप लोग को यहाँ पे कोर्सेज। बेसिकली फर्स्ट वाला लिंक का जो सबमिशन है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है यहाँ तक, तो दूसरा जो इवेंट का लिंक है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो दूसरा लिंक यहाँ पे ओपन है अभी तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो कौन सा कोर्स आप लोग को यहाँ पे फ्री में है, उनके सर्टिफिकेट को भी फ्री में आप लोग ले पाइएगा। तो बेसिकली देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल का ये कोर्स है, देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्टिफिकेशन। यहाँ पे कोर्स तो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर बिल्कुल ही फ्री में दिया जाता है, यहाँ पे पढ़ तो आप लोग बिल्कुल ही फ्री में सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को इसके सर्टिफिकेट लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को चार्जेस पे करना पड़ता है। तो वही चीज़ को मैं बताऊंगा किस तरह आप लोग इसको फ्री में कर पाइएगा। तो देख सकते हैं ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से निकल के आ रही है, एज्योर फंडामेंटल का कोर्स है। उसी तरह और भी डिफरेंट कोर्सेस है जिसके लिए आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, एज्योर फंडामेंटल या फिर AI फंडामेंटल रिलेटेड अगर चाहिए तो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, डाटा फंडामेंटल रिलेटेड चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो एज्योर फंडामेंटल का था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स बिल्कुल ही फ्री में है, पढ़ तो आप लोग बिल्कुल ही फ्री में सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए आप लोग का पैसा पे करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कितना रुपीज यहाँ पे आप लोग को 3000 लगभग आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करना पड़ता है तब सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन मैं बताऊंगा किस तरह आप लोगों को फ्री में करना है। तो उसके लिए आप लोगों को ये जो लिंक है बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्लिक किए होंगे, इस वाले लिंक पे आए होंगे। एज्योर फंडामेंटल का अगर कोर्स करना है तो ये 21-22 जून वाला इवेंट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ये लिंक आप लोग को ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक इवेंट आप लोग को चल रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल ट्रेनिंग डे फंडामेंटल का ही वेबिनार टाइप का आप लोग बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस टाइप का है, जो कि 22 and 23 जून को चलेगा। एंड इस वेबिनार को अगर आप लोग फुली अटेंड करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा गया है, अगर आप लोग इस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप लोग क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। पहले तो आप लोग को नॉलेज मिलेगा एज्योर फंडामेंटल रिलेटेड, फिर आप लोग का एक नेटवर्क बनेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा आप लोग का टेक द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम एट नो कॉस्ट। फिर आप लोग को फ्री में यहाँ पे ये जो एज्योर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसको एकदम फ्री में आप लोग दे पाइएगा, कोई भी पैसा आप लोग को चार्ज नहीं लगेगा। तो यही फायदा है बेसिकली आप लोग को इस इवेंट में रजिस्टर करना है, इस पूरा इवेंट को अटेंड करना है 2 दिन का, एंड अटेंड करने के बाद आप लोग फिर इस एग्जाम को बिल्कुल ही फ्री में दे पाइएगा। आप लोग को कूपन भेजा जाएगा आप लोग को ईमेल पे, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे भेजा जाएगा, एंड उसके थ्रू आप लोग इस एग्जाम को बिल्कुल ही फ्री में दे पाइएगा एंड सर्टिफिकेट को गेन कर पाएगा। एग्जाम को देने के लिए आप लोग को इस ट्रेनिंग को अटेंड करते फूली तो आप लोग को नॉलेज भी मिलेगा एग्जाम रिलेटेड, आप लोग को स्टेप जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग को आप लोग केयरफुली एंड आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिएगा ताकि आप लोग नॉलेज भी गेन कर पाए, साथ में आप लोग को एग्जाम का जो कॉस्ट है वो भी ना लगे। तो दोनों चीज होना चाहिए एक ही साथ।
तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को सिंपली आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं अपना डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिलअप करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोगों को डालना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना जॉब रोल में आप लोग अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली टाइप आउट कर देना है, कंट्री यहाँ पे कॉलेज का नाम, कंपनी का नाम पे आप लोग डाल सकते हैं, कंपनी साइज में 1 डाल सकता है, आई एम नॉट अ रोबोट चेकबॉक्स पे यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे दोनों प्राइवेसी पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बेसिकली जो कंट्री कोड है वो भी आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग का जो कंट्री कोड है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया का भी ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, नीचे जाना है आप लोगों को एंड फिर रजिस्टर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आप लोगों का मैसेज आ जाएगा, यू हैव रजिस्टर्ड, यू विल रिसीव ए कन्फर्मेशन ईमेल विथ मोर डिटेल्स सून, तो इस तरह का आप लोगों का मैसेज आता है। अब आप लोगों को मेल चेक करना है, मेल आप लोगों को तुरंत नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद आता है आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, कम से कम आप लोग बोला जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 2 आवर्स लगेगा मेल आने में, उसमें सारा डिटेल्स रहेगा कि कब आप लोगों को अटेंड करना है इवेंट को, कितने बजे अटेंड करना है, वो सारा चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन उस मेल को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस मेल में बेसिकली होता क्या है, जो टाइमिंग है, जो यहाँ पे आप लोग को टाइमिंग दिख रहा होगा, जो इस लिंक पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग आप लोग को दिख रहा होगा, ये टाइमिंग बेसिकली जो CEST टाइमिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग अपने स्टैंडर्ड जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है उसके हिसाब से कन्वर्ट करके उसी टाइम में अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 9:30 से 1 PM सुबह का, लेकिन ये हम लोग को इंडियन टाइमिंग में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा एंड उस टाइमिंग में आप लोग को अटेंड करना पड़ेगा इवेंट को। तो यहाँ पे अगर मैं इस टाइमिंग को कन्वर्ट करता हूँ तो इंडियन टाइमिंग क्या होगा उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को वीडियो में ही, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे CEST to इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 9:30 सुबह जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 1 का दोपहर होगा, तो 1 दोपहर आप लोग को अटेंड करना है, ये जो आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 1 दोपहर को आप लोगों का यहाँ पे ये इवेंट बेसिकली स्टार्ट होने वाला है एंड फिर 1 से आप लोग को यहाँ पे 9:30 से 1 चल रहा है, तो ये 1 से 4:30 बजे तक चलने वाला है, फिर सेकेंड डे 22 जून को भी यहाँ पे 9:30 से 10:45, तो वही 1 से आप लोगों का फिर 4:15 तक चलेगा आप लोग को ये वाला। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे टाइमिंग को देख के आप लोग अटेंड कीजिएगा इस इवेंट को, अटेंड करने के बाद आप लोग नॉलेज को भी गेन कीजिएगा, साथ साथ आप लोग यहाँ पे फिर कूपन कोड को भी ले पाइएगा एंड फिर एग्जाम को बिल्कुल ही फ्री में देके यहाँ पे सर्टिफिकेट को गेन कर पाइएगा। होप करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी हो वहाँ आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जनों का हेल्प हो पाए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो में, तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।